SKP7 न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर के पास बैंक ऑफ इंडिया के पास अपराधियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 14,61,000 रुपये लूट लिए। हथियार के साथ पहुंचे अपराधी ने फायरिंग कर दहशत फैलाने के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पर पहुंचे DSP और सदर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। वहीं SSP मनोज कुमार ने बताया की घटना की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा। बच गया, गोली चलाया अभी, गोली चलाया है वो बात भी। अब फिर और 3-4 गोली चला हो गया। बड़ा रहता ना चेहरो आता था, चेहरा था छोटा कमरा है, ये बच्चा को डराने वाला क्या। सर सर हम लोग चले जाएंगे। कितना रकम था? 14,61,510 रुपये। कहाँ ले पैसा जमा करना था? पैसा बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना। कहाँ ब्रांच है आपका? ब्रांच सर मजहबली धर्मदास पीछे मोहल्ला में सर। कितना पैसा था? 14,61,510। कैसे घटना, पूरी घटना कैसे हुई बताइए। पूरी घटना सर, स्कॉर्पियो से अपने ऑफिस से पैसा लेकर के बैंक में जमा करने के लिए आ रहे थे। स्कॉर्पियो जैसे ही गेट खोले पैसा का बैग निकाल रहे थे, वैसे ही 3 अपराधी पल्सर से आए और गोली लगाते हुए बैग के कैश भरा बैग लेके चले गए। फायरिंग भी की है जी सर। आपके साथ कितने लोग थे आपके ऑफिस के? हम 3 लोग थे सर। 3 लोग? कौन कौन लोग थे? 3 लोग हम थे, हमारे 2 लोग संगम मैनेजर, 2 संगम मैनेजर। संगम मैनेजर ये क्या होता है? ये कलेक्शन करते सर फील्ड में। सुरक्षा की कोई व्यवस्था थी? नाम नाम बताइए उनका। उनका नाम आशुतोष राज था और एक मोहम्मद अजहर। क्या था कहाँ के रहने वाले जी? वो लोग कहाँ के रहने वाले? एक लोग औरंगाबाद के रहने वाले। औरंगाबाद के रहने वाले हैं। आप मोहम्मद अजहर? अजहर दरभंगा के रहने वाले। जाले आप कहाँ के रहने वाले? हम बोचहा के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। अजय, ऐसा पुलिस का सर्कुलर है कि 2 लाख से अधिक राशि होने के बाद थाने से संपर्क करना है जी सर। आपने किया क्या सर? ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं किया? क्या इससे पहले पुलिस जो है वो आपकी सूचना के बाद नहीं आई थी वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो उल्लंघन है आपको, सुरक्षा का जो पॉइंट है वो तो खुद उल्लंघन कर रहे हैं आप। जब वो काम नहीं रहेगा तो बेस्ती करता रहेगा। थैंक यू।